नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आईटी स्थित विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा कल यानी 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक सजीव लेप्रोस्कोपिक ऑपरेटिव कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का प्रसारण संस्थान के प्रथम तल स्थित सेमिनार हॉल में किया जाएगा। बता दें, कार्यशाला का आयोजन यूपी चैप्टर IAGI के तत्वाधान में तथा यूपी चैप्टर IAGI के अध्यक्ष डॉ. नूतन जैन के संरक्षण में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बेसिक से लेकर एडवांस केसों सहित 4 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का संचालन नलबाड़ी असम के प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर यशोधन डेका तथा इटली और फ्रांस से प्रशिक्षित प्रख्यात लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सोनू सिंह द्वारा किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में संस्थान प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वैशाली जैन, परामर्शदाता डॉक्टर सोनिका गौर शामिल हैं। बता दें, इस कार्यशाला में लखनऊ और आसपास के शहरों से लगभग 60 स्त्री रोग विशेषज्ञों ने पंजीकरण कराया है। कार्यशाला में बुनियादी लैब हिस्टेरेक्टोमी और एंडोमेट्रियोसिस जैसे कठिन लेप्रोस्कोपिक केसों के संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कार्यशाला को लेकर वहां के विशेषज्ञों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखिए, ये हमारे विवेकानंद अस्पताल की एक सेवा है जो स्थानीय जो गायनेकोलॉजी सर्जन्स है इनको शैली और मान कैसे बढ़ाया जाए, जो वर्तमान से जो सिस्टम चला आ रहा है कि जब जो जननी का जो बीमारी होता है तो पेट खोल के क्या जाता था, ये आपकी रूढ़िवादी टेक्निक है। वर्तमान जो शैली है वो है दूरबीन से किया जाता है, इसको बहुत शैली से सीखना पड़ता है। तो ये शैली से सीखना पड़ता है तो इसको सिखाने के लिए योग्य आपको शिक्षक चाहिए, जो टेक्निक डॉक्टर्स चाहिए। हमारे जो प्रभावी डॉक्टर्स है डॉक्टर सोनू सिंह एंड हर टीम, ये सबको सिखाने के लिए हमारे सेवा है। तो कल एक विशेष वर्कशॉप, लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप का आयोजन किया है विवेकानंद अस्पताल में। सुबह 8:30 से शाम को 4:30 बजे तक लगातार ऑपरेशन होते रहेंगे एवं ऑपरेशन के समय दौरान जो टॉप सर्जन्स है वो ऑपरेशन करेंगे एवं कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहा है वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने डॉक्टर्स आएंगे, इन लोग सब प्रभावी डॉक्टर्स है, तो सिखाने के लिए हम लोग एक बंदोबस्त किया है। इनका जो विस्तार जो क्या क्या सिखाएंगे टेक्निकल डिटेल्स डॉक्टर सोनू सिंह आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर सोनू सिंह हूँ। मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से सीनियर कंसल्टेंट गायनी डिपार्टमेंट में हूँ और हम लोग यहाँ पे 19 जुलाई को यानी कि कल एक दूरबीन विधि की कार्यशाला करने वाले हैं, लैप्रोस्कोपी वर्कशॉप जिसे कहते हैं, जिसमें मेरे अलावा एक इंडिया के और भी अच्छे लैप्रोस्कोपिक सर्जन हमें ज्वाइन करेंगे। हमारी इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य यह होगा क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो मरीजों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जैसा स्वामी जी ने बताया कि जो ओपन जो पुरानी टेक्निक है उससे ये ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि अस्पताल में मरीज़ के रुकने की जो दिन होते हैं इसमें कम होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि पेट खुलता ही नहीं है, स्टिचेस नहीं आते, तो मरीज़ अपनी दिनचर्या में बहुत जल्दी वापस आ सकता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा अभी ऐसा नहीं है कि हर अस्पताल में बहुत ज़्यादा अच्छे से की जाती हो, बट हमारे हॉस्पिटल में पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से ये कर रहे हैं और रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसी की कार्यशाला में लखनऊ और यूपी के अन्य क्षेत्रों से कई डॉक्टर्स जो ऑलरेडी काफ़ी विख्यात डॉक्टर्स हैं वो लोग हमारे यहाँ पे आएंगे। तकरीबन 60 ऐसे डॉक्टरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है इस कार्यशाला में और हम उनको लाइव सर्जरी यानी कि
ऑनलाइन उसी टाइम वो डेमोन्स्ट्रेट होंगे हमारे सेमिनार हॉल में, शो करेंगे, जिससे कि वो अपने मरीजों को भी ये सुविधा दे सकें। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जिससे कॉम्प्लिकेशन रेट कम कर सकते हैं, वो भी अपनी जगहों पे वो सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे कहते हैं वो हम उन्हें देंगे। और मेनली एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए दूरबीन विधि ही बेस्ट होती है हर जगह, लेकिन अभी भी उसको काफ़ी जगह ओपन करके किया जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है। तो एक ये भी संदेश देना है कि किस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की जाती है। तो हम इस तरीके से 4 सर्जरी शो करेंगे, सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। तो ऐसे में जिस तरीके से सर्जरी की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो बाहर हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ इसके शुल्क के बारे में या इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि कैसे लोग यहाँ पर जाकर? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। ये दूरबीन सर्जरी बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ही महंगी होती है, जिस वजह से मरीज ये सुविधा कई बार नहीं उठा पाते हैं उन अस्पतालों में। बट हमारा अस्पताल बहुत ही न्यूनतम जो उसमें है चार्जेस पे हम लोग ये अब हमारे अस्पताल में करते हैं। ये जो लेप्रोस्कोपिक वर्कशॉप है, बहुत दिन पहले तक नहीं होती थी। पहले हम पूरा एब्डोमिन को होल करके फिर हम ऑपरेशन करते थे औरतों के अंदर। इसके बाद ये दूरबीन वाली टेक्निक आई, लेकिन ये टेक्निक थोड़ी महंगी थी, इसलिए हर एक लोगों को, जैसे हमारे काउंसिल मेडिकल सर्विसेज हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक लाइव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती है। अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल में होती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है और एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बहुत ही सस्ती है, एक आम आदमी भी यहाँ के ऑपरेशन कर सकता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी की ये ब्लेसिंग्स हैं कि हम यहाँ बैठे हैं स्वामी जी के साथ एंड डॉक्टर सोनू जी के साथ। डॉक्टर सोनू बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जानी मानी एक्सपर्ट है। तो ये लाइव वर्कशॉप हम लोग करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का आदान प्रदान होगा ये टेक्निक, और लोगों को भी पता लगेगी, तो इसमें आगे भी और कर पाएंगे। धन्यवाद। जाहिर है संस्थान इस तरह की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित करता रहता है। इस कार्यशाला से सीखने के बाद डॉक्टर और बेहतर तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे मरीजों को लाभ मिलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।